स्टूडेंट्स यूनिट डी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेट्रावेलेंसी। सेकंड लेसन जो है इसका टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की चतुष्योजकता व संकरण, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा कार्बन हैलोजन बॉन्ड की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसमें क्या है, कार्बन हैलोजन जो होता है कौन कौन से होते हैं बताओ, हैलोजन X बराबर क्या होगा, हैलोजन कौन कौन से होते हैं X बराबर, एफ सी एल बी आर और आई, ये चार हैलोजन होते हैं, ठीक है, एफ सी एल बी आर और आई। अब आप देखो कार्बन जो है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है सी एफ, कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ा है, कार्बन ब्रोमीन के साथ जुड़ा है, कार्बन आयोडीन के साथ जुड़ा है, हैलोजन बदल दिया, तो कार्बन तो कार्बन ही है, हैलोजन की जगह हमने एक बार एफ रखा, एक बार सी एल रखा, एक बार बी आर रखा, एक बार आई रखा, तो सी एफ सी एल सी सी एल सी बी आर और सी आई, ये चार प्रकार के कार्बन हैलोजन बॉन्ड आ गए। अब अपने से ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ध्रुवीय कौन सा है, सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है, ठीक है, ध्रुवीय बताना है अपने को, सबसे ज़्यादा ध्रुवीय, ध्रुवीय प्रवृत्ति का क्रम बताना है अपने को। ध्रुवीय प्रकृति का क्रम, पोलर बॉन्ड का सीक्वेंस बताना है, पोलर बॉन्ड कौन सा ज्यादा है। अब आप बताओ सी और एफ में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, सी और एफ में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी, एफ सी एल बी आर और आई में से फ्लोरीन की, फ्लोरीन की एफ की है ना, उससे कम सी एल की, उससे कम बी आर की, उससे कम आई की, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता एफ में है, इसलिए एफ पर सर्वाधिक ऋणावेश होना चाहिए और सी पर, इस सी पर सर्वाधिक धन आवेश होना चाहिए, क्योंकि एफ की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, जब विद्युत ऋणता ज्यादा है तो प्लस माइनस इस पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब इसकी विद्युत ऋणता उससे थोड़ी कम है तो इससे इस पे जो माइनस है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब आप देखो मैंने साइज में फर्क किया है, आप इस डेल्टा का साइज देखो और इस डेल्टा का साइज देखो, साइज में फर्क दिख रहा है आपको, क्लियर, जो ज्यादा बड़ा साइज किया है वो ज्यादा बड़ा प्लस है, ठीक है, ये ज्यादा माइनस है, ये थोड़ा माइनस कम हो गया। अब सीएल से कम विद्युत ऋणता किसकी है, सीएल से कम विद्युत ऋणता बीआर की, तो बीआर पे जो ऋणावेश है वो इससे भी कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए सीएल पे, और इस पे प्लस, क्योंकि इस पे जितना माइनस होगा उतना ही इस पे प्लस होगा, तभी उदासीन रहेगा, माइनस प्लस बराबर रहेंगे, ठीक है। अब बीआर से कम विद्युत ऋणता है आई की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत कम है, इसलिए इस पे माइनस सबसे कम और इस पे प्लस सबसे कम होना चाहिए, समझ आ गया, साइज के अकॉर्डिंग देखो आप, डेल्टा का साइज देखो, ये जो डेल्टा के साइज मैंने दिखाए है ना, मैंने इन साइज में डिफरेंस रखा है, क्लियर, समझ आ रहा है ना। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो एफ सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और ये वाला सी सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अतः सबसे ज्यादा ध्रुवीय है, सबसे ज्यादा पोलर जो है वो यही होना चाहिए, ये वाला सबसे ज्यादा पोलर होना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्रुवीय होना चाहिए, सबसे ज्यादा पोलर सी एफ होना चाहिए, उससे कम सी सी एल, सी सी एल बॉन्ड, उससे कम सी बी आर बॉन्ड और सबसे कम सी आई बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट, एक टॉपिक आता है डाइपोल मूवमेंट,
द्विध्रुव आघूर्ण जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा ध्रुवीय होता है, वो ज्यादा पोलर होता है, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इसका फार्मूला जो होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर, दो कारकों पर डिपेंड करता है, किस किस पर, क्यू तो है आवेश, क्यू तो क्या है यहां आवेश चार्ज, और आर जो है ना आर है बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब आप देखो वापिस देखो, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पर डिपेंड करता होता है, दो कारकों पर डिपेंड करता है, एक तो क्यू पर और एक आर पर। क्यू क्या है, क्यू आवेश है, आवेश, और आर क्या है, आर बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, आर बंध लंबाई है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ आवेश देखा, आवेश किसमें ज्यादा था, आवेश सबसे ज्यादा आवेश किस पर था बताओ, कौन से बॉन्ड पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होता हो, सीएफ पर है ना, सीएफ पर। तो जो आवेश है ना वो सीएफ के फेवर में है, सीएफ के फेवर में, मतलब सीएफ का आवेश सबसे ज्यादा है, कहने का मतलब ये है कि सीएफ का जो आवेश है वो सबसे ज्यादा है, आवेश जो है वो सीएफ के फेवर में है, क्लियर है, क्योंकि सीएफ पर आवेश सबसे ज्यादा है। पर अब अपने को बंध लंबाई देखनी है, बॉन्ड लेंथ देखनी है, बॉन्ड लेंथ। अब आप देखो बॉन्ड लेंथ, आप बता सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, कार्बन और कार्बन और आयोडीन की, आयोडीन की, सीआई की, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना वैसे वैसे बंध लंबाई बढ़ती है, सबसे छोटा बंध ये है, उससे बड़ा बंध ये हो गया, उससे बड़ा बंध ये हो गया, और सबसे बड़ा बंध ये होता है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब बिल्कुल जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब आप देखो आवेश तो चार्ज तो सीएफ के फेवर में था, ठीक है भाई, सीएफ का चार्ज ज्यादा है। लेकिन दूसरा फैक्टर देखो बंध लंबाई, क्या सीएफ की बंध लंबाई भी ज्यादा है क्या, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ना ये सीएफ के फेवर में नहीं है, ये सीएफ के पक्ष में नहीं है, इसलिए सीएफ पर आवेश ज्यादा होने के बावजूद भी ये सबसे ज्यादा पोलर, सबसे ज्यादा ध्रुवीय नहीं है, होना सीएफ चाहिए, जनरली अपने आवेश से ही देखते होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो दो कारकों पर डिपेंड करता है, एक तो आवेश पर और एक बंध लंबाई पर। आवेश यानी चार्ज सीएफ के फेवर में है, सीएफ पर चार्ज ज्यादा है तो उसकी जो पोलर नेचर है, जो ध्रुवीय प्रकृति है वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर बंध लंबाई देखें तो सीएफ की बंध लंबाई सबसे कम हो गई, अतः बंध लंबाई इसके पक्ष में नहीं है। अब आप अगर सीआई को सोचो, सीआई को अब बंध देखो, सीआई की बंध लंबाई तो बड़ी है, है ना, बंध लंबाई तो ज्यादा है, लेकिन आवेश क्या है सीआई वाले केस में, आवेश कम है सर, कम है, कम कम है, तो इसके भी एक फैक्टर फेवर में है पर दूसरा फैक्टर इसके फेवर में नहीं है। अब आप अगर सीसीएल को सोचो ना, सीसीएल को तो सीसीएल पर आवेश भी ज्यादा है, ठीक है, आवेश भी ज्यादा है और इसकी बंध लंबाई भी कंपेरेटिवली सीसीएल के कंपेरेटिवली क्या बंध लंबाई, सीएफ के कंपेयर से ज्यादा है सर, है ना, सीएफ से कंपेयर में ज्यादा है, तो इस पर आवेश भी देखा जाए तो ज्यादा है, इससे तो कम है हालांकि, लेकिन इन दोनों से ज्यादा है, है ना, आवेश भी ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा है, यानी सीसीएल के फेवर में दोनों ही फैक्टर हैं, चार्ज भी ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्रुवीय, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड जो है ना वो सीसीएल है, सबसे ज्यादा पोलर सीसीएल, उससे कम है सीएफ, उससे कम है सीबीआर और सबसे कम है सीआई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये जब जब आया है, अभी देखो जेट में ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया कभी भी, लेकिन अदर पेपर में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में इसे पूछा गया है,
जब जब ये पेपर में क्वेश्चन आया है ना, लगभग लगभग स्टूडेंट गलती करके आए हैं। क्यों करके आए हैं? देखो, अपने जब तुक्का मारते हैं ना, तुक्का मारने का तरीका क्या होता था? वो अपना अपने पास चार है, सी एफ, सी सी एल, सी बी आर, सी आई। तुक्का कैसे मारते हैं बताओ? या तो तुक्का मारेंगे यूं, और या तुक्का मारेंगे यूं। सही है, तुक्का हमेशा अपना एक साइड से चलता है, या तो इधर चलेगा या उधर चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? सबसे ज्यादा ध्रुवीय है, सीएफ। सबसे ज्यादा ध्रुवीय है सीएफ के फेवर में, सीसीएल, सीसीएल। सीएफ के फेवर में सिर्फ आवेश है, ये ध्यान रखना, सीएफ के फेवर में सिर्फ आवेश है, बॉन्ड लेंथ इसके फेवर में नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा पोलर सीसीएल है, तुक्का नहीं मारना है। सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? सीसीएल। आपको रीजन बताया, देखो पूरा, सबसे ज्यादा पोलर सीसीएल है। आपको पूरा रीजन दिया है मैंने भी, क्यों सीसीएल ज्यादा है। सीसीएल पे चार्ज भी ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ भी कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो दोनों फैक्टर इसके फेवर में है, इसलिए सीसीएल ज्यादा पोलर है, ज्यादा ध्रुवीय है। तो सीक्वेंस क्या बना? सीसीएल इज ग्रेटर देन सीएफ, इज ग्रेटर देन सीबीआर, इज ग्रेटर देन सीआई। इन दोनों पर चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए इनकी ध्रुवीय प्रकृति कम रहती है। अब बात आती है मेन दो की, सीसीएल और सीएफ की। सीएफ के फेवर में चार्ज तो है पर बॉन्ड लेंथ नहीं है, और इसके फेवर में दोनों ही है, तो इसलिए ज्यादा ध्रुवीय कौन सा होगा? ज्यादा ध्रुवीय, ज्यादा पोलर सीसीएल, सीसीएल, सीसीएल। क्लियर? तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है ना, जो अपना पेंडिंग था, तो उसको डिस्कस करने के बाद, और आज हम बहुत ही आपके शानदार, इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आता है, कोलाइड क्वेश्चन 100% आता है इससे, कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? देखो, विलयन जो होते हैं ना, सॉल्यूशन जो होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन, जिसे कई बार पेपर में सत्य विलयन के नाम से भी दे देता है, वास्तविक यानी सत्य है, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा होता है कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा होता है निलंबन सस्पेंशन। ये तीन तरह के विलयन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। इनमें होता क्या है? देखो, वास्तविक विलयन जो है ना, ट्रू सॉल्यूशन जो है ना, इसमें जो कण होते हैं, जो विलय होता है, सोल्यूट होता है, ये अपने कण ही कह देते हैं, एक बार फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने विलयन चैप्टर ही नहीं है जेट में, तो अपने इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो साइज होता है, पार्टिकल का जो साइज आकार होता है, वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। बड़ा सौखा है याद रखना, कितना है वास्तविक विलयन के कणों का आकार, कितना है? 1 नैनोमीटर से कम। और कोलाइडी कणों का जो आकार होता है ना, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। तो निलंबन का आकार बता दो फिर कितना होगा, निलंबन का सस्पेंशन का? 100 नैनोमीटर से ज्यादा। कॉमन सी बात है, जब वास्तविक 1 नैनोमीटर से कम है, कोलाइडी याद रख ले आप सीधा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, तो 1 नैनोमीटर से कम है तो वास्तविक हो जाएगा, तो 100 से ज्यादा है तो निलंबन हो जाएगा। क्लियर? तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और निलंबन का जो आकार होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। आ गया समझ इतना?
यस सर। लेकिन अपने से क्या है वो नैनोमीटर नहीं देता, अपने को ऑप्शन में नैनोमीटर देता ही नहीं, या तो ऑप्शन में देता है सेंटीमीटर और या देता है मीटर, या तो मीटर देता है या सेंटीमीटर में पूछता है, या कई बार माइक्रोन में भी पूछ लेता है, माइक्रोन में, ठीक है, माइक्रोन में पूछ लेता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कन्वर्ट करने का तरीका देखो कैसे करते हैं। कोलाइडी कणों का आकार, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडी कणों का आकार कितना था बताओ? एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, तो पहले तो ये नैनो हटाओ, कितना होता है नैनो? 10 की पावर माइनस 9 होता है। कैसे? नैनो हिंदी में लिखे पैसे, अभी अपना नाम ही बता रहा, देखो नै मतलब नेगेटिव और नो मतलब नो, यानी नेगेटिव में नो है, नैनो नैनो यानी नेगेटिव में नो, कभी नहीं भूलोगे। नैनो क्या बता रहा है? नैनो नैनो बता रहा है नेगेटिव माइनस नो। तो हम क्या करें, अब एक का तो एक ही रहने दें, इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर बन गया। ये मैंने नैनो की वैल्यू पुट कर दी, नैनो जो होता है ना वो 10 की पावर माइनस 9 होता है। याद रखने का एक तरीका है, नैनो यानी नेगेटिव में 9, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁹ मीटर, और यहाँ देखिए तो 100 का 100 आ जाएगा, और नैनो का मतलब होगा 10⁻⁹ मीटर। अब सोल्व करो, 100 को 10⁻⁹ से गुना करोगे, क्या बच्चे का बताओ? 100 को जब 10⁻⁹ से गुना करेंगे, 10⁻⁷, 10⁻⁷, क्योंकि 100 का मतलब क्या है 10⁻² इंटू 10⁻⁹ है, तो 10⁻² में से जब -9 जाएगा तो 10⁻⁷ बच जाएगा। तो ये तो बच गया 10⁻⁹ मीटर, और ये बन गया 10⁻⁷ मीटर, यानी कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक होता है। मीटर में अगर पूछ ले तो इतना है, समझ गए? मीटर कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर नैनोमीटर से मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। ओके, अब देखो, अब अपने को माइक्रोन बनाना है। माइक्रोन, माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁶। माइक्रोन होता है 10⁻⁶, माइक्रोन बन जाएगा। सेंटीमीटर भी बन जाएगा और माइक्रोन भी बन जाएगा, दोनों इकट्ठे बनाएंगे। देखो अब यहां तो हम बनाएंगे माइक्रोन और यहां बनाएंगे सेंटीमीटर, दोनों बनाएंगे। देखो माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन की पावर माइनस छ, 10⁻⁶। ये कितने? 10⁻⁹, 10⁻⁹। इसमें से 10⁻⁶ निकाल लो तो कितना बचेगा बताओ? 10⁻⁶ निकाल लोगे तो 10⁻³ है ना, तो ये बन जाएगा 10⁻³ माइक्रोमीटर। 10⁻⁶ माइक्रो में चला गया, क्लियर? 10⁻ जो माइनस छ था वो माइक्रो में चला गया, आ गया समझ? आगे देखो, ये कितना है? 10⁻⁷, 10⁻⁷। इसमें से 10⁻⁶ निकाल दो, कितना बचेगा? 10⁻⁶ निकाल दो, माइनस एक, तो ये बन जाएगा 10⁻⁹ माइक्रोमीटर। आया समझ? क्लियर? माइक्रोमीटर कैसे बनाएंगे, समझ आ गया? आ गया सर जी। 10⁻⁹ था है ना, इसमें से 10⁻⁶ निकाल लेंगे, 10⁻⁹ है इसमें से 10⁻⁶ निकालेंगे, 10⁻³ बच जाएगा, 10⁻⁷ है इसमें से 10⁻⁶ निकालेंगे, 10⁻⁶ बच जाएगा, ये माइक्रोमीटर बन गया। अब 10⁻³ का मतलब क्या है? 10⁻³ का बट्टे में ले आओ इसको, तो क्या बनेगा बताओ? 1/10³, क्योंकि जो पावर ऊपर माइनस में है उसको नीचे लाएंगे तो किसमें बन जाएगी वो?
प्लस में, प्लस में है ना। तो ये था 10 की पावर -3, तो इसको बटे में ले आए तो ये बन गया 10 की पावर +3। माइनस तीन को बटे में ले 10 की पावर +3। 10 की पावर 3 का मतलब, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? हजार। 10 की पावर 3 यानी 1000। तो जब आप 1/1000 करोगे ना तो ये सोल्व हो जाएगा 0.001। सही है, 1/1000 कितना हो जाएगा? 1/1000 0.003 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगी, तो 0.001 माइक्रोमीटर। अब 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 है, बटे में ले जाओ क्या बनेगा बताओ? बटे में ले जाओगे तो 1/10 एक बटा दस को सोल्व करोगे तो आएगा बताओ? 0.1 ना। तो ये 10 की पावर -1 था, इसको बटे में लेंगे तो ये 0.1 बन गया। तो माइक्रोमीटर में ये ऑप्शन देता है आपको ज्यादातर, और आपके पेपर में आया भी हुआ होगा, देखना है ऐसा कोई प्रश्न साइज पूछा होगा पेपर में माइक्रोमीटर में, तो कितना आएगा 0.001 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर। समझ आया कैसे कन्वर्ट किया है? कन्वर्ट करके देखने, ठीक है ना, कन्वर्ट करके देखने इनको, और कोई डाउट रहता तो कल कंसल्ट करना। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में। अब यहां सेंटीमीटर बनाएंगे, देखो ये मीटर था, अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 है ना। अपने पास था 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर, ये था 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर, ये पड़ा है ऊपर देख लो आप इस ये रहा, 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर। और मीटर में कितने सेंटीमीटर? मीटर में सेंटीमीटर कितने? 100 सेंटीमीटर 100 है ना। तो ये बना दो 10 की पावर -9 × 100 सेंटीमीटर बन गए। मीटर में मैंने सेंटीमीटर ली दिए 100 सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर बना दो 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 आ गया। और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मीटर में सेंटीमीटर 100 तो मीटर में मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिए। अब चेक करो क्या बनेगा बताओ? 10 की पावर -9 × 100 कितना बचेगा बताओ? 10 की पावर -7 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, क्योंकि 10 की पावर -9 है और 100 का मतलब होगा 10 की पावर 2, तो 10 की पावर -9 और 10 की पावर 2 को सोल्व करोगे 10 की -7 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 2 है, तो -9 + 2 - 7 आएगा 10 की पावर -7। और ये 10 की -7 × 100 कितना आ जाएगा? 10 की पावर -5। ये लो, ये सेंटीमीटर होंगे। समझ आया नहीं आया ये बताओ? नैनोमीटर, फिर मीटर, फिर माइक्रोमीटर और फिर सेंटीमीटर, सारे बनाने आने चाहिए आपको। क्लियर? यस सर। अब आप देखें, अब आता है वास्तविक विलयन। वापिस देखें वास्तविक विलयन और ग्लाइडिंग विलयन में मोटा मोटा फर्क क्या, देखो वास्तविक विलयन कणों का आकार तो कितना था इसके, वास्तविक विलयन के कणों का आकार ट्रू सॉल्यूशन के 1 नैनोमीटर से कम, ट्रू सॉल्यूशन के जो कणों का आकार था वो 1 नैनोमीटर से कम, यानी बहुत छोटे छोटे कण थे, जैसे ये दिखाए मैंने, ठीक है, ऐसे कण हैं इसके, ऐसे पार्टिकल हैं इसके। अब अपने पास फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए दो चीजें हम लोग लेते हैं, छानने के लिए या कह दे फिल्ट्रेशन के लिए दो चीजें लेते हैं, एक तो फिल्टर पेपर और दूसरा चरम पत्र झिल्ली। फिल्टर पेपर और बिल्कुल बारीक होल वाली एक मेम्ब्रेन होती है चरम पत्र झिल्ली, स्किन मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग, तो बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं। फिल्टर पेपर में छिद्र थोड़े बड़े होते हैं,
फिल्टर पेपर, ये मान लो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के होल थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ये फिल्टर पेपर में छिद्र है, छोटे छोटे होल होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं, और जो ये लेयर है इसमें जो छिद्र होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े छोटे उसके कंपेरेटिवली। तो फिल्टर पेपर के छिद्र देखो और चरम पत्र झिल्ली के छिद्र देखो, फिल्टर पेपर के होल देखो और जो स्किन मेम्ब्रेन है उसके होल देखो, ठीक है। अब आप देखो ये थे वास्तविक विलयन के कण, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल। अब अगर मैं मान लो ट्रू सॉल्यूशन बनाऊं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल है बिल्कुल, अब इसके ऊपर डालूं तो क्या ये छन जाएंगे क्या बताओ, फिल्टर हो जाएंगे क्या, या उसमें से निकल जाएंगे? निकल जाएंगे सर, निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि बिल्कुल छोटे हैं ये, और इसके ऊपर डालूं तो छन जाएंगे या निकल जाएंगे? छन जाएंगे सर। नहीं नहीं छन, नहीं छनेंगे बच्चे, बहुत छोटे हैं ये इसमें से भी निकल जाते हैं, ठीक है ना, तो ये छनते नहीं है कहीं से भी, ना तो ये फिल्टर पेपर से छनते हैं, ना चरम पत्र झिल्ली से छनते हैं, ना तो ये फिल्टर पेपर से और ना ही स्किन मेम्ब्रेन से, किसी से भी ये फिल्टर नहीं होते। समझ आई बात या नहीं आई? क्योंकि इसके बहुत ही छोटा साइज है, छोटा साइज है तो इसमें से भी क्रॉस हो गया और इसमें से भी क्रॉस हो गया, दोनों से क्रॉस हो गया, क्लियर? समझ आई? यस सर। तो ये दोनों से ही क्रॉस हो जाता है, तो मैं दो टिक लगा दिया, मतलब दोनों से क्रॉस हो गया। अब कोलाइडी कण देखो, कोलाइडी कण इससे थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से बड़े हैं बिल्कुल ऐसे। अब मैंने इसके ऊपर डाले, अब बताओ क्या होगा, इसके ऊपर डालूंगा फिल्टर पेपर डालूंगा तो नहीं छनेंगे, निकल जाएंगे इसमें से ना, इसमें से क्रॉस हो गए। अब इसके ऊपर डाले तो इसमें से क्रॉस हो जाएंगे क्या? छन जाएंगे सर। अब छन जाएंगे बिल्कुल, ये चरम पत्र झिल्ली में से क्रॉस नहीं होते, यानी अब छन जाते, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। और जो निलंबन होता है ना उसके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब इसके ऊपर डाले सस्पेंशन तो क्या होगा बताओ, पार निकल जाएंगे क्या? छन जाएंगे सर, छन जाएंगे पार नहीं निकलेंगे ना, किससे पृथक करेंगे? होगा ही नहीं ना, कोलाइडी विलयन के कण चरम पत्र झिल्ली से छान सकते हैं उनको, है ना, और जो निलंबन है सस्पेंशन है वो फिल्टर पेपर और चरम पत्र झिल्ली किसी से मर्जी, दोनों से फिल्टर पेपर से भी और मेम्ब्रेन से भी, दोनों से ही इनको जो है वो सेपरेट किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। आई समझ या नहीं आई? चले आगे, अब आता है कोलाइडी विलयन के प्रकार। वैसे तो मैं टेबल पूरी बनवाऊंगा एक आपको, ठीक है, लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। कोलाइडी विलयन, पहले कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं देख लो, फेजेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेज होती हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की दो प्रावस्थाएं होती हैं, दो प्रावस्थाएं कौन कौन सी? एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। एक होता है डिस्पर्ज फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। अब बताओ वापिस कोलाइडी विलयन
कितनी प्रावस्थाएं हैं, कितनी फेजेज हैं पूरा डिविजन में? दो, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्ज फेज, दूसरा प्रक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन। प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? जिसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है, और प्रक्षेपण माध्यम जिसकी मात्रा यानी जिसकी अमाउंट ज्यादा है। जिसकी मात्रा कम है वो तो है प्रक्षिप्त प्रावस्था, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो है प्रक्षेपण माध्यम। क्लियर? समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो पहले दो बहुत सिंपल काम है। अब देखो, जैसे एग्जांपल देखो, ये मान लो मेरे पास बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। अब इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक मिला दिया, थोड़ा सा क्या मिला दिया इसमें बेंजीन में? नमक। नमक तो नमक जो होता है ना बेंजीन में पूरी तरह से नहीं घुल पाता, बल्कि थोड़े बड़े कणों में आ जाता है। थोड़े से बड़े कणों में आ जाता है नमक, पूरी तरह नहीं घुल पाता। तो बताओ ये वास्तविक विलयन बना या कोलाइडी विलयन बना? नमक को जब बेंजीन में घुला गया तो ये ट्रू सॉल्यूशन बना या कोलाइडल सॉल्यूशन बना? कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो नमक को बेंजीन में घोलते हैं तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, क्योंकि नमक बेंजीन में पूरी तरह से नहीं घुल पाता। ठीक है, अब बताओ इसमें कम अमाउंट किसकी लिए आपने? कम अमाउंट बेंजीन के लिए या नमक के लिए? नमक की। तो नमक जो है ना वो डिस्पर्ज फेज है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है, और ज्यादा अमाउंट किसके लिए? ज्यादा अमाउंट बेंजीन। तो बेंजीन जो है ना वो प्रक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्जन मीडियम है। समझ आ गया? जिसकी मात्रा कम है वो डिस्पर्ज फेज, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट। यस सर। अब कहता है कोलाइडी विलयन के प्रकार। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं कोई विलयन लिख रहा हूं, जैसे मैंने क्या लिखा देखो, एल्कोहल जल विलयन, एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन। तो बताओ इसमें ज्यादा मात्रा किसकी और कम मात्रा किसकी है? ज्यादा अमाउंट किसकी और कम अमाउंट किसकी है? जल की ज्यादा है, एल्कोहल की कम है। की कम है। अब मैंने लिखा जल तेल मिश्रण, वाटर ऑयल मिक्सचर। तो बताओ ज्यादा अमाउंट किसकी है, कम अमाउंट किसकी है? जल की ज्यादा, तेल की कम है। अब देखो क्या होता है, जो पहले लिखते हैं ना, ये ध्यान रखना, जो पहले लिखते हैं वो हमेशा कम अमाउंट वाला होता है, और जो बाद में लिखते हैं वो ज्यादा अमाउंट वाला होता है। जिसकी अमाउंट कम है वो पहले लिखा जाएगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो बाद में लिखा जाएगा। जैसे मैंने बोला जल तेल मिश्रण, वाटर ऑयल मिक्सचर, क्या मतलब है इसका? कम मात्रा किसकी है? इसकी कम मात्रा जल की कम है, तेल की ज्यादा है ना। तो जिसकी मात्रा कम है उसको क्या बोला गया? प्रक्षिप्त प्रावस्था या प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्ज फेज? प्रावस्था। जिसकी कम है उसको प्रक्षिप्त माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था। जिसकी मात्रा कम है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था था, देख लो वापिस है ना। जिसकी मात्रा कम है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था था, और प्रक्षिप्त प्रावस्था हमेशा पहले लिखी जाती है, ध्यान रखना। जिसकी मात्रा कम होती है वो पहले लिखा जाता है, जैसे अल्कोहल जल विलयन, तो इसमें अल्कोहल पहले लिखा है ना, तो मतलब ये प्रक्षिप्त प्रावस्था है, ये अंडरस्टूड है कि कम अमाउंट में लेंगे हम लोग, जो पहले लिखा है वो कम अमाउंट में लेना है। क्लियर? समझ आई बात या नहीं आई? स्टूडेंट्स चले आगे। Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी सर। ओके,
अब कहते हैं कोलाइडी विलयन के प्रकार। वैसे तो देखो मैं टेबल बनाऊंगा, 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, लेकिन हम यहाँ मेन आज एक बार 3 डिस्कस करेंगे। मैं आपको मेन चैप्टर सारा बता दूंगा, ठीक है, मोटी मोटी सारी बातें इसमें बताने वाला हूं मैं आपको। फिर कल हम पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करके कल कंप्लीट कर देंगे इसको। सोल कल प्रयास रहेगा हमारा कि इसको पूरा कर दें। सोल जल और पायस, सोल जल इमल्शन। अब बताओ सोल क्या होता है? सोल विलियन विलियन तो होता है, कोलाइडी विलियन है ये तीनों ही। सोल भी कोलाइडी विलियन है, जल भी कोलाइडी विलियन है, इमल्शन भी कोलाइडी विलियन है। अब आपसे क्या पूछेगा? सोल में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम कौन सा है? ऐसे पूछेगा। डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है? जल में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम कौन सा है? जल में डिस्पर्ज फेज डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है? इस तरह से पता है किसी को सोल क्या है? अब याद रखेगा तरीका, देखो मैंने क्या लिखा, क्या लिखा बताओ? सोल तो सो मतलब सोलिड और ल मतलब लिक्विड, रह जाएगा याद? क्या सर ना, बड़े आराम से कर सकते हैं। सोल हो सकता है सोल नाम ही इसीलिए पड़ा हो। सोल सो यानी सोलिड और ल लिक्विड, सोलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सोलिड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन आर नोन एज सोल। सोलिड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन, सोलिड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन आर नोन एज सोल। जैसे मैंने अभी बताया था आपको नमक, नमक क्या बताओ? नमक सोलिड है ना, सोलिड है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है, कम मात्रा है, और बेंजीन लिक्विड है। तो हमने एग्जांपल लिया था ना, वो इसी का एग्जांपल था। तो जो पहले लिखा है उसकी मात्रा क्या होगी? जो पहले लिखा है उसकी मात्रा कम होगी, इससे प्रक्षिप्त कम होगी, बिल्कुल। अब आता है दूसरा जल। जल जल जो होता है ना, सोल का उल्टा होता है, बस सीधा याद रखना। जल क्या है? सोल का उल्टा है। तो सोल क्या था? सोल सॉलिड लिक्विड, तो जल क्या होगा? जल लिक्विड सॉलिड, बस लिक्विड सॉलिड, मतलब कम मात्रा किसकी? लिक्विड की। ऐसे नहीं उल्टा, एग्जांपल नहीं उल्टा करना, एग्जांपल तो बदल जाएगा, ऐसे रखना है। कम मात्रा किसकी? लिक्विड की। ज्यादा मात्रा किसकी? सॉलिड की। सॉलिड की, ठीक है ना। जैसे दही है, दही दही देखो आप, दही जो है ना वो जल का एग्जांपल है। दही मक्खन जल का एग्जांपल है, पनीर जल का एग्जांपल है। पनीर देखा है? पनीर सॉलिड होता है लिक्विड होता है? ये बताओ, पनीर सॉलिड लिक्विड के बीच में सॉलिड होता है? वैसे तो ज्यादा अमाउंट तो सॉलिड की होती है, लेकिन उसके बीच में लिक्विड होता है या नहीं होता बताओ? गिल्ला गिल्ला रहता है नहीं रहता वो, ये बताओ? रहता है ना, तो मतलब उसके बीच में लिक्विड है, लेकिन लिक्विड की अमाउंट कम है, सॉलिड की अमाउंट ज्यादा है। समझ आ गई बात? अब तीसरा आता है पायस या इमल्शन, लिक्विड लिक्विड, इसमें दोनों लिक्विड होते हैं, द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, तेल जल, तेल क्या? तेल लिक्विड है सर, लिक्विड। और जल भी क्या है? लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पायस, पायस या इमल्शन जो है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। दूध इसी का एग्जांपल है, दूध मिल्क पायस का ही एग्जांपल है। समझ आया वर्गीकरण? यस सर। अब देखो इसकी, ये तो होगी भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के बेस पे। जैसे अपने देखा भाई सॉलिड है या लिक्विड है, है ना, लिक्विड है लिक्विड है, सॉलिड है सॉलिड है, इस तरह से। ये फिजिकल स्टेट के बेस पे आ गया। इसके अलावा क्लासिफिकेशन का एक और बेस रहता है, एक और आधार रहता है वर्गीकरण का। वो आधार क्या है वर्गीकरण का? दो प्रावस्थाएं बताओ, कौन कौन सी थी बताओ? दो प्रावस्थाएं,
प्रावस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्ज फेज और प्रक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम है ना। यस सर। अब देखो क्या होगा, दोनों में आकर्षण हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, हो सकता है दोनों में अट्रैक्शन हो यानी दोनों मिलाते ही जुड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में प्रतिकर्षण रिपल्शन हो यानी ना जुड़े है ना। तो दोनों में प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम में आकर्षण भी हो सकता है और प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम में प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जब आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है दोनों के अंदर, तो उसे बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। और जब दोनों में प्रतिकर्षण होता है तो उसको बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। विरोधी मतलब विरोधी क्या होता है, विरोधी बताओ, आकर्षण है प्रतिकर्षण, विरोधी विरोधी किसको, प्रतिकर्षण को ना, लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफोबिक में क्या होगा, नाम बता रहे, देखो द्रव विरोधी, विरोधी मतलब आकर्षित करेंगे प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेगा ना, और स्नेही स्नेही आकर्षित होगा, लायोफिलिक। दोनों में प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम में आकर्षण है तो लायोफिलिक और प्रतिकर्षण है तो लायोफोबिक, यानी आकर्षण है तो द्रव स्नेही, प्रतिकर्षण है तो द्रव विरोधी। अब द्रव विरोधी जो होता है ना, वो फिर दो प्रकार का होता है। अब यहां से प्रश्न निकलता है जो मैं बात अब कर रहा हूं, देखो अब मैं आपको तीन चार पॉइंट बता रहा हूं। देखो द्रव विरोधी दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक पॉजिटिव और एक ऋणात्मक नेगेटिव। दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा, देखो पॉजिटिव जिसमें, जैसे ये प्रक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्जन मीडियम है, क्या होता है प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में है ना। अब इसके बीच में जो कोलाइडी कण है ना, वो सारे धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, सारों पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो वो होता है धनात्मक कोलाइडी मिलियन। समझ आई बात, एग्जांपल दे दूंगा आपको, इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं कल, देखना। अभी मैं आपको एक चैप्टर का सार दे रहा हूं आपके, ये नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब सारे पार्ट पर, सारे पार्टिकल पर क्या चार्ज होगा, माइनस है ना, सारे पार्टिकल पर माइनस चार्ज होगा। तो पॉजिटिव में क्या होता है, सारे पार्टिकल पर प्लस, और नेगेटिव में क्या होता है, सारे पार्टिकल पर माइनस चार्ज होता है। अब अपने को एग्जांपल याद रखना, देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जितने भी हाइड्रोक्साइड सोल है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, वो पॉजिटिव सोल है, हाइड्रोक्साइड कोई भी आ जाए वो हमेशा धनात्मक कोलाइडी विलयन ही होगा, क्लियर। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल धनात्मक का एग्जांपल है, और जितने भी सल्फाइड है वो सारे नेगेटिव कोलाइडल सोल है। जितने भी सल्फाइड है जिनमें एस आर है, वो सारे के सारे नेगेटिव कोलाइडी विलयन है, नेगेटिव कोलाइडल सोल है। तो द्रव विरोधी कोलाइड कितने प्रकार का, द्रव विरोधी दो, लायोफोबिक है वो दो टाइप का, और कौन सा, धनात्मक ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, सारे कणों पर धनात्मक, और नेगेटिव में सारों पर नेगेटिव चार्ज है ना, माइनस चार्ज होगा। अब मेरे को इसका पता लगाना है कि इस पे कौन सा चार्ज है, दिख थोड़ी जाएगा अपने को, जैसे मान लो मैं बेंजीन में नमक बोल दूं, अब तुम ऐसे हिला के हवा में देखो, दिख जाएगा क्या कि माइनस जा रहा है, ये जा रहा माइनस, दिख जाएगा क्या, बताओ भाई, तुम पानी में नमक डाल के कहो वो सोडियम वो फिर रहा घूमता, दिख जाएगा क्या, बताओ अपने को, नक नाम कौन से, नहीं दिखेगा ना। तो अपने को पता कैसे लगाए अपने भाई, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसके लिए मेथड लगता है, आवेश का पता लगाने के लिए, चार्ज का पता लगाने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखना आप लोग पुराने सालों का पेपर उठा के देखो, आपको कोई विधि नहीं करनी,
आपसे प्रश्न आएगा आवेश का पता लगाने के लिए, चार्ज को फाइंड करने के लिए, कोलाइडी विलयन पर आवेश का पता लगाने के लिए आप किस विधि का उपयोग करोगे, किस मेथड का यूज करोगे। तो हम क्या करेंगे, देखो हम जो मेथड, हाँ जी कोलाइडी, नहीं बच्चे ऐसे नहीं, ठीक है मेरे को क्लियर करना है तो फिर आप देखना आपको पता लगता है या नहीं पता लगता। देखो चार्ज का पता लगाना है अपने को, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके लिए हम जो विधि लगाते हैं ना वो है वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस अब आप खुद बताओगे, देखना मेथड क्या। देखो इसमें क्या करते हैं कि यू आकार की नली ले लेते हैं, सोचने की बातें हैं बाकी तो क्या अपनी आदत है रट्टा मारने की और कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने मान लो ये कोलाइडी विलयन भर लिया, अब मेरे को नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेरे को ये पता लगाना है। मैंने यू आकार की नली ली और उसमें कोलाइडी विलयन भर लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का, जिसमें कुछ कोलाइडी कण घूम रहे हैं, ये कोलाइडी कण है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड लगे, ये प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है, ये दोनों के प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड लगे। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस से जोड़ लिया, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के माइनस से जोड़ लिया, एक इलेक्ट्रोड को क्या किया हमने बैटरी के से जोड़ दिया प्लस से, दूसरे को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया से। अब आप ये बताओ मैंने ये वाला लिया था, ये वाला है ना, तो बताओ ये सारे कण जो अंदर है किस साइड चले जाएंगे, बताओ ये आप खुद बताओ किस साइड चले जाएंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नेगेटिव के पास, नेगेटिव के पास क्यों चले जाएंगे बेटा बता, शाबाश आकर्षण होगा सर, है ना, पॉजिटिव सारे पार्टिकल पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाले किधर भागेंगे बताओ, पॉजिटिव वाले सारे के सारे प्लस की तरफ, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ, माइनस की तरफ, है ना, तो सारे पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अब अपने को पता लग जाएगा भाई सारे पार्टिकल अगर नेगेटिव की ओर यानी कैथोड की ओर आ गए हैं तो इसका मतलब वो पार्टिकल सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले थे, या नहीं पता लगेगा बताओ, पता नहीं लगेगा क्या अपने को भाई, सारे पार्टिकल कैथोड पे इकट्ठे हो गए, नेगेटिव वाले पे इकट्ठे हो गए, तो अपने पता नहीं लगेगा क्या पार्टिकल पॉजिटिव वाले हैं, लग जाएगा ना। ऐसे मान लो नेगेटिव वाला भर लेते अपने, ये वाला भर लेते तो ये सारे किधर भागते बताओ, प्लस की तरफ, बात मिनट में पता लग जाता। यानी अगर सारे पार्टिकल एनोड पे इकट्ठे हो जाए, एनोड पे, तो मतलब वो पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाले हैं, और सारे पार्टिकल अगर कैथोड पे इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब वो सारे पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। समझ आई या नहीं आई बात? यस सर। ये वैद्युत कण संचलन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आवेश का पता लग गया। सारे पार्टिकल अगर माइनस की ओर आएंगे तो क्या आवेश है, माइनस की ओर आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की ओर आएंगे तो नेगेटिव है, क्लियर। तो यानी कोई भी कोलाइडी कण जो होता है ना, कोलाइडी पार्टिकल जो होता है ना, वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। अगर प्लस पार्टिकल है, प्लस पार्टिकल है तो वो कैथोड की ओर मूव कर जाएगा, और अगर माइनस पार्टिकल है तो वो किधर जाएगा, एनोड की ओर मूव कर जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। यानी कोलाइडी विलयन में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम करंट पास करते हैं, तो सारे पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव की ओर आ जाते हैं और नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव की ओर आ जाते हैं, कुल मिला के सारे पार्टिकल अपोजिट चार्ज विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं। आइए समझ नहीं आई बताओ, चले आगे। यस सर। यस। अब एक तुमने नाम सुना होगा हार्डी शुल्जे नियम, प्रश्न आता है पेपर में हर बार हार्डी शुल्जे नियम, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, जो मर्जी पेपर दें आप, पक्का प्रश्न है हार्डी शुल्जे नियम का। अब तुम खुद हार्डी शुल्जे हो, दिमाग लगाओगे तो, और नहीं लगाओगे तो किताबें रटे रखो भले ही, ठीक है। अब अपना दिमाग अपने आप लगाना है। हार्डी शुल्जे नियम क्या करता है, स्कंदन बताता है, स्कंदन कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन,
अब आप ये बताओ प्लस प्लस में क्या होगा बताओ, आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्शन, प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण। तो क्या ये सारे कण जुड़ जाएंगे क्या बताओ, प्लस प्लस वाले कण जुड़ सकते हैं क्या बताओ प्रतिकर्षण वाले? नो सर। जब तक ये जुड़ नहीं सकते ना, जब तक ये जुड़ नहीं सकते तब तक ये नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि जुड़ेंगे तो ही भारे होंगे, है ना। अभी तो ये दूर दूर रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं तो हल्के हल्के हैं तो अंदर तैर रहे हैं, जुड़ जाते तो भारे हो जाते, नीचे बैठ जाते, सही है बात। अब हमने क्या किया, हार्डी सूर्य क्या कहता है, आप इसमें कोई वैद्युत अपघटन मिलाओ, वो ये कहता है कोई भी वैद्युत अपघटन मिलाओ, इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ, जैसे NaCl, तो उस वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइट में दो प्रकार के आयन होते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब बताओ ये पार्टिकल प्लस वाले पार्टिकल है, प्लस वाले पार्टिकल है, ये बताओ वैद्युत अपघटक के प्लस वाले कण से जुड़ेंगे या माइनस वाले से जुड़ेंगे, ये बता दो। माइनस वाले। कॉमन सी बात है, प्लस पार्टिकल माइनस से जुड़ेगा, और जब प्लस और माइनस जुड़ जाएगा तो क्या होगा बताओ, आवेश रहेगा या उदासीन हो जाएगा? वो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया चार्ज, ये लो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। अब बताओ क्या इनमें प्रतिकर्षण रहेगा क्या? नो सर। नहीं रहेगा तो जुड़ जाएंगे तो भारी होके नीचे बैठ जाएंगे, इसी को हम स्कंदन या कोएगुलेशन बोलते हैं। तो स्कंदन या कोएगुलेशन क्या है, जब कोलाइडी विलयन में कोलाइडल सॉल्यूशन में वैद्युत अपघटन मिलाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, तो क्या होता है कोलाइडी कण किससे जुड़ते हैं, उसी आवेश वाले से जुड़ते हैं या विपरीत आवेश वाले से जुड़ते हैं, ये बताओ, अपोजिट चार्ज वाले से या सेम चार्ज वाले से? विपरीत आवेश वाले आयन से जुड़ जाते हैं, अपोजिट चार्ज आयन से जुड़ जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं, अपोजिट चार्ज आयन से जुड़ जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, इसी को हम स्कंदन या कोएगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात पूछूंगा, आप हार्डी सूर्य नियम अपने आप बताएंगे, देखो ये सारे पार्टिकल प्लस वाले थे, दिमाग लगा लेना अपना। अब मैंने इसमें कई तरह के माइनस मिलाए, क्योंकि प्लस किससे उदासीन होगा, माइनस से ही होगा ना, तो मैंने इसके में कई तरह के माइनस मिलाए, जैसे SO4-2 मिला दिया, Cl- मिला दिया, PO4-3 मिला दिया। अब आप बताओ कौन ज्यादा उदासीन करेगा, कौन ज्यादा न्यूट्रल करेगा, -1 ज्यादा न्यूट्रल करेगा, -2 ज्यादा न्यूट्रल करेगा या -3 ज्यादा न्यूट्रल करेगा, ये बताओ। कौन सा? चलो चेक करते हैं अपने, देखो ये प्लस प्लस वाले कई पार्टिकल थे ना, वो सारे ले लिए मैंने। अब इसमें Cl- आया, Cl-, इसमें माइनस का 1 है, तो -1 तो +1 को उदासीन कर देगा, तो इसने 1 को उदासीन कर दिया, ठीक है। अब आया SO4-2, ये माइनस का 2 है तो कितनों को उदासीन करेगा ये? दो को, है ना, तो इसने 2 को उदासीन किया, 2 को न्यूट्रल किया, ठीक है। अब -3 आया, ये बताओ कितने को न्यूट्रल करेगा? 3 को। अब बताओ कौन सा कण ज्यादा उदासीन कर रहा है बताओ? -3 वाला, है ना। ये हार्डी सूर्य नियम यही है, क्या कहता है हार्डी सूर्य नियम, जिस कण पर आवेश ज्यादा होता है, जिस पार्टिकल पर चार्ज ज्यादा होता है वही ज्यादा स्कंदन करता है, वही ज्यादा कोएगुलेशन करता है। ये अकेला 3 को उदासीन करेगा, ये 2 को उदासीन करेगा, ये 1 को उदासीन करेगा, बताओ करेगा नहीं करेगा? लगा लो दिमाग, अपना खुद का दिमाग लगाओ, हार्डी सूर्य की नकल क्यों मारते हो, अपना दिमाग लगाओ। -3 को उदासीन करेगा, -2 को करेगा, -1 को करेगा, तो कौन ज्यादा उदासीन करेगा, कौन ज्यादा न्यूट्रल करेगा, जिसपे चार्ज ज्यादा है, जिसपे चार्ज कम है? ज्यादा वाला। बस यही हार्डी सूर्य नियम है, जितना ज्यादा चार्ज होता है कोएगुलेशन पावर स्कंदन क्षमता उतनी ज्यादा होती है। समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चे,